जो NIOS के स्टूडेंट्स हैं 10th एंड 12th के, वे अब अपना स्टडी मटेरियल जो है वो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं एज ए सॉफ्ट कॉपी। तो इस वीडियो के थ्रू आप ऑनलाइन जो स्टडी मटेरियल है 10th एंड 12th के NIOS स्टूडेंट्स के लिए वो डाउनलोड करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन में आ जाएंगे, और मोबाइल फ़ोन में आने के बाद आप एक वेब ब्राउज़र खोलेंगे अपने मोबाइल का, जैसे कि हम गूगल क्रोम खोल रहे हैं। और गूगल क्रोम खोलने के बाद आप इसमें टाइप करोगे NIOS, टाइप करोगे और सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपको पहला ऑप्शन मिल जाएगा होम का, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक इसके नीचे आपको कुछ लिंक मिल जाएंगे, जैसे कि स्टूडेंट लॉगिन का, NIOS रिजल्ट का, एडमिशन का, ऑनलाइन कोर्स मटेरियल का, NIOS एग्जामिनेशन रिजल्ट का। इस तरीके से आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप ये जो ऑनलाइन कोर्स मटेरियल देख रहे हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे जो कोर्स मटेरियल है वो देखिए, आपको सेकेंडरी का मिल जाएगा यानी कि 10th का, और सीनियर सेकेंडरी का मिल जाएगा यानी 12th का, और ये आपको भारतीय ज्ञान परंपरा और ये वोकेशनल कोर्स का है और डिप्लोमा का है। ये जितने भी कोर्सेस ऑफर करते हैं NIOS वाले, ये सारे सॉफ्ट कॉपी यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। तो सपोज़ कीजिए हम सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th का स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब ये 12th में जितने भी ये सब्जेक्ट ऑफर करते हैं वे सारे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको बुक की PDF के साथ साथ ये वीडियो लिंक भी मिल जाता है, तो आप यहाँ पे वीडियो वाले पे भी क्लिक करके जाके देख सकते हो। तो यहाँ से सपोज कीजिए कि हमें एक कोई सब्जेक्ट चुन लेते हैं, जैसे कि हमें ये बिजनेस स्टडीज़ डाउनलोड करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद ये आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें आपको जब ये मटेरियल इन PDF वाले पे ऑप्शन पे आओगे, तो आपको यहाँ पे दो लैंग्वेज में मिल जाएगा। जैसे कि आपको हिंदी मीडियम में चाहिए बिजनेस स्टडीज़ की बुक, तो आप ये हिंदी मीडियम वाले पे क्लिक करोगे, और इंग्लिश मीडियम वाले चाहिए तो इंग्लिश मीडियम वाले पे क्लिक करोगे। तो जैसे कि हमें हिंदी मीडियम में चाहिए, तो हम ये हिंदी वाले पे क्लिक करते हैं। जब हम ये डाउनलोड कर लेते हैं, तो ये हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। ये बुक है पूरी तरीके से, जिसे आप पढ़ सकते हो। हमने बिजनेस स्टडीज़ का किया है, ठीक इसी तरीके से आप इंग्लिश मीडियम में भी कर सकते हो। तो ये बुक है, ये देख पा रहे होगे आप। और अब चल लेते हैं ज़रा दूसरे, ये सीनियर सेकेंडरी का किया है हमने, अब ये 10th का एक बार करके देख लेते हैं। फिर से आप ये इस वाले पेज पे आ जाओगे, और यहाँ से सेकेंडरी कोर्स वाले पे क्लिक करोगे। और सेकेंडरी कोर्स पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब ये 10th में जितने भी कोर्स ऑफर करते हैं उन सबके PDF दिए हैं, आप यहाँ से कोई भी एक देख के आप अपना डाउनलोड कर सकते हो। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आपको डेटा एंट्री ऑपरेशन का, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। और क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आप वही ऑप्शन देखेंगे, हिंदी मीडियम का और इंग्लिश मीडियम का। तो हम हिंदी मीडियम पर क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये डाउनलोड हो जाएगा।